ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, क्यों अप्लाई किया? अप्लाई नहीं किए ये था ना, क्यों नहीं किए? ये धान लोग जो भी फसल लगा सकता है कृषि संबंधित, 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूं, ये रेगुलर राशन मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों को अलग से 5-5 kg राशन मिलना है, वो मुफ्त मिलना है, वो सभी लोगों को मिल रहा है, सभी लोग आपको दे रहे हैं। उधर जिन लोगों का राशन कार्ड आपको अप्लाई किया है और नहीं बना है वहाँ जाएंगे, सिम पर आप लोग जाकर अपना नाम लिखवाइए सबको वहाँ। मुख्यमंत्री आवास में हम लोग नया भी लेंगे और रिपेयरिंग का काम भी लेंगे। वैसे लाभार्थी जिनका कहीं से चयन नहीं हो पा रहा है, उनका आवास वर्ष में भी नाम नहीं है, हमारा पुराना प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष हो गया तो हम लोग उसमें कवर करेंगे। यदि वो योग्य होंगे तो उनका आवास होगा, उनका वाहन वगैरह होगा या दूसरे तरह का कहीं लाभ होगा, कहीं सरकारी नौकरी का लाभ पैसा उठा रहे होंगे, सरकारी पैसा उठा रहे होंगे, तो उनको नहीं मिलेगा। कभी कार्रवाई नहीं हो सकती है वहाँ के तरह, तो कहेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ से भी जा रहा है, विभाग का भी पत्र है, क्योंकि एक एक करके हमारे सभी पदाधिकारी सब सर्वे करेंगे। ऑनलाइन म्यूटेशन में अभी जो मैं यहाँ का देख रहा था, कोई पेंडिंग जो दस्तावेज था और 152 एप्लीकेशन जो है वो निष्पादित कर दिए गए हैं। इस पंचायत में का कोई भी आवेदन पत्र भी उसके लिए लंबित नहीं है। अच्छा, एक और जो महत्वपूर्ण योजना है जिसके कारण हमेशा, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, लेकिन राजस्व विभाग का एक तरफ ट्रांसफर और उसमें जैसे ARC.BIS.NI तक के बच्चों को 600 की दर से, 6 से 8 तक के बच्चों को 700 रुपये की दर से DBT के माध्यम से 75% उपस्थिति वाले बच्चों को चली जाती है। दूसरी योजना चल रही है 7 से 12 वर्ष के बच्चियों को, इधर से प्रत्येक बच्चियों को DBT के माध्यम में उनके खाते में दी जाती है। इसके अलावे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना चलती है, जिसके तहत 9th बच्चे एवं बच्चों को 3000 की दर से साइकिल क्रय हेतु राशि दी जाती है। जो सभी प्रकार के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। 8 के बच्चों को के लिए संचालित है विद्यालय में रसोईया के माध्यम से खिचड़ी मीनू के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस के दिन अलग अलग मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन रसोईया के भोजन दी जाती है के स्थानीय लोगों सभी बच्चों को लाभान्वित कराया जाता है। तो मालूम चला कि उसमें से एक भवन ही विद्यालय है जो वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट करके चलाया जा रहा है। उसके लिए हम लोग जो जमीन की व्यवस्था है वो करेंगे और नगर में पंचायत में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक कैंप लगाया, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बताया, योजनाओं की क्या स्थिति है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, जमीनी हद पर जाना और संबंधित विभाग के अध्यक्षों को, संबंधित विभाग के जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, उनको निर्देश दिया है कि जो भी योजनाएं चल रही उसको और कैसे बेहतर ढंग से चलाया जा सके, और सभी लोगों को जागरूक किया है कि जो सरकार की सभी योजनाएं चल रही उसका लाभ आप लोग सब।